आप सभी को इंडी का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज, आज मैं जा रही हूँ सैन फ्रांसिस्को और जा रही हूँ एयर इंडिया की फ्लाइट से। पहले भी मैं बहुत बार गई हूँ इस फ्लाइट से। आई होप इस बार न्यू प्लेन होगा और फैसिलिटीज जो है अच्छी होंगी। तो मैंने सोचा है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि एयर इंडिया की न्यू प्लेन्स कैसे हैं और कैसा फ्लाइट का एक्सपीरियंस रहता है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो अब हम निकल पड़े हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ और हमने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गुरुग्राम में पड़ता है, वहाँ से हमने फ़्लाइट लेनी। रात के बजे हुए इस टाइम 12, और फिर भी देखिए दिल्ली कितनी ब्राइट लग रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखिए। और इतनी सुंदर दिल्ली बन चुकी है कि आप भी इसको इंजॉय करें। ये देखिए, सामने भी आपको शेर दिखेंगे। बहुत ही सुंदर दिल्ली को सजाया हुआ है। आखिर कैपिटल है तो बढ़िया तो होएगी। तो गाइस, बस आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगी कि 60th अंजलि को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर दो, जिससे कि मैं जहाँ जहाँ घूमने जाऊँगी आपको मेरे वे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ये देखिए, इतनी सुंदर टनल बनी हुई है ना, जिसके अंदर से अब हम निकल रहे हैं और बस थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। मुझे एयर इंडिया की फ़्लाइट लेनी है और मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं। मैंने पहले भी अपना वीडियो डाला हुआ है, लेकिन वो काफ़ी पुराना वीडियो है। तो ये देखिए, बस साइड में एरो सिटी आई। दुनिया भर के यहाँ पे होटल्स हैं। आप कभी दिल्ली आओ, एयरपोर्ट के पास में रहना चाहते हो तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। और बस आ गया एयरपोर्ट, तो डिपार्चर की साइट हमने ले ली और अब हम बस ये देखिए, आपको दिख रहा होगा सामने टर्मिनल 3। तो बस अब बैगेज वगैरह उतारती हूँ, फिर मैं अंदर चलती हूँ, फिर मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। क्योंकि मेरी बिजनेस क्लास टिकट है, इसलिए फटाफट जो है काउंटर पर हमारा बैगेज वगैरह उन्होंने ले लिया, क्योंकि अलग लाइन होती है, लाइन में मुझे खड़ा नहीं होना पड़ रहा। तो बस अब हम जा रही हूँ मैं इमिग्रेशन की तरफ। वहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए, बस अब मैं आ गई इमिग्रेशन की साइड। तो इसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ऑल डन, सब सिक्योरिटी चेक इन सब हो गया और आ गई है मैं अंदर। और ये देखिए, अब ये कोई ड्यूटी फ्री शॉप्स। एयरपोर्ट तो हमारे जो दिल्ली का है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं बहुत घूमी हूँ दुनिया में, लेकिन जो हमारा एयरपोर्ट है ना, इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट। और अभी जो है, मैं बहुत टाइम है फ्लाइट में, तो इसलिए मैं लॉन्च जा रही हूँ। वहाँ बैठूँगी और वहाँ रिलैक्स करूँगी, कुछ खाऊँगी और चलिए फिर आपको भी लेके चलती हूँ। जिस लॉन्च में मैं जा रही हूँ उसका नाम है एनकाम। तो बस वहाँ जाके फिर देखते हैं कैसा है पूरा। इन्होंने इंडिया की ये देखिए पूरी साइड में बहुत सुंदर वॉल्स के ऊपर जैसे ना पेंटिंग्स हैं कह सकते हैं आप, और बहुत ही सुंदर, ये बिल्कुल इंडियन टच दिया हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खाने को मिलता है। ये देखिए, बस मैं आ गई लॉन में। और फिर मैं एक बार कहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर दो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी मुझे बताओ। मैं आपको लॉन्च वगैरह इसे दिखा रही हूँ कि आप अगर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे तो आप यहाँ पर आएँ और क्या कुछ आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि कैसा रहता है यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब 60th लॉन्च। बहुत ही लेविश यहाँ पे खाना लगा हुआ है, सब तरह का इंडियन फूड, वेस्टर्न फूड, नॉन वेज, वेजिटेरियन, एनी थिंग यू से, आप फ्रूट्स, पास्ता, ब्रेड्स, तरह तरह की टी, कॉफ़ी, जूसेस, विस्की, बहुत कुछ है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया लॉन्च बना हुआ है। तो मैं आपको ये सब एक बार फटाफट दिखा रही हूँ और बस फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं भी खाऊँगी। और ये देखिए आप, सैलेड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड्स, कुछ भी आप जिसे आप ना कहो, आप सोचो, यू विल गेट इट देयर। ये देखिए, फ्रूट्स हैं सब तरह के, सब तरह की फ्रूट सैलेड, क्या सब तरह की सॉसेस, सब कुछ है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया ये जो है ना, हमारा यहाँ का ये लॉन्च बना हुआ है कि खाने पीने के लिए सब बढ़िया है। आपको डोसा, इडली, वड़ा, ब्रेड्स, तरह तरह की चाट्स हैं, देखिए चाट पापड़ी, बहुत ही बढ़िया यहाँ का हमारा लॉन्च है। तो बस मैंने भी अब थोड़ा बहुत सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया है, और इतना तो कोई खा भी नहीं सकता क्योंकि फ़्लाइट में फिर इतना कुछ खाने को मिलेगा, पर अभी बहुत टाइम है फ़्लाइट के लिए तो भूख भी लग गई है थोड़ी बहुत। तो बस मैं भी थोड़ा सा ले रही हूँ।
बिकॉज अब मैं वापस आ गई अपना बाहर लॉन्च से खा पी कर और 24 नंबर गेट नंबर पे जाना है, तो देखिए रास्ते में सब ये शॉप्स आती जा रही हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे और ये वो, तो बस वहाँ पे गेट पर पहुँच जा कर फिर मैं सोचा है वहाँ बैठ जाते हैं तो बेटर है, जब फ्लाइट का भी टाइम तो है थोड़ा, पर सेफली मैंने लेने के लिए मैं अपना गेट पर आ गई हूँ। अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, अब देखते हैं अंदर जाकर कि हमें कौन सा प्लेन मिलता है। लग तो रहा है मुझे कि इस बार नया प्लेन होगा, बट लेट्स गो एंड सी। थैंक गॉड न्यू प्लेन है, मेरा नंबर है 5D। ये देखिए अब न्यू प्लेन में जो बिजनेस क्लास है इसमें पूरे अलग अलग अपने जो है ना इंडिविजुअल कैबिन्स बने हुए हैं, तो ये आ गया मेरा 5D। वाह बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो देखिए स्वीट 5D ये इन्होंने इसको दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ इन्होंने बनाया है। विंडोज मैंने आइल में लिया, मतलब विंडो के साथ मुझे मिला है, और ये देखिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसा है ये सब। टच स्क्रीन टीवी आ गया, जो कि पहले टीवी दूसरा था। ये देखिए पूरे अलग अलग सबके कैबिन्स बने हुए हैं इंडिविजुअल, इसमें है बिजनेस क्लास में आपको पूरी प्राइवेसी मिलती है यहाँ पर। तो चलते हैं और देखती हूँ फिर मैं क्या कुछ है इसमें। ये देखिए पुल टू रिलीज़ स्वीट डोर, ये आप अपना पर्सनल डोर बंद कर लो तो पूरा आपका एक छोटा सा बिल्कुल कैबिन बन जाता है पर्सनल। तो यहाँ पे इसको बस पुल करना है आपने, और ये पूरा स्लाइडिंग डोर है तो जिससे आपकी पूरी प्राइवेसी हो जाती है। और ये पैनल है पूरा, इससे जैसे आप अपनी जो सीट है उसको इंक्लाइन कर सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब का साइन। ये देखिए पूरा बेड बन जाता है, ये सब कुछ पूरा एक इन्होंने पूरा एक पैनल बनाया हुआ है। गाइस एक बार फिर बोलूँगी, अगर 60s only को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको और दिखाती हूँ सब कुछ। भाई इस बार तो टीवी भी बहुत बढ़िया है, पूरा टच स्क्रीन है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा मूवीज़ की कलेक्शन है, आप कुछ भी देख सकते हो, कोई कार्टून्स देखनी है कुछ भी देखना है आपने, तो काफ़ी बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया अब ये एयर इंडिया की फ़्लाइट हो गई है। ये सीट के साइड में हुक दिया हुआ है और यहाँ पे आप अपना हेडसेट रख सकते हो, स्टोरेज स्पेस बनी हुई है। ये देखिए ओनली वाटर बॉटल एंड हेडसेट स्टोरेज अलाउड, तो ये छोटा सा इन्होंने ये बनाया हुआ है। अब चलो बैठते हो और फिर देखते हैं, बेल्ट लगानी पड़ेगी अब क्योंकि फ़्लाइट अब उड़ने वाली है। और ये स्लीपर्स हेडफोन्स ये अब हमें दे गए हैं कि आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, अपने शूज़ उतार कर रिलैक्स करो, चिल करो। और ये हेडफोन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अब आप बन गए हैं, तो देखो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितने बढ़िया ये हेडफोन्स हैं, तो चिल करते हैं आप। ये बेडिंग के लिए और ब्लैंकेट का है जो सामान है, पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए पूरा पैक इन्होंने दिया है कि जब आप बेड बनाओ तो आप आराम से इसको बना सकते हो। बेड में बिजनेस क्लास में आपको पूरा मेन्यू देके जाते हैं, पूरा बार मेन्यू अलग होता है और खाने का मेन्यू कार्ड अलग होता है, तो आप अपनी चॉइस से कुछ भी ड्रिंक्स ले सकते हैं, कोई वाइन लेनी है, कोई विस्की लेनी है, एनीथिंग यू वांट। इसका पूरा इसमें सब कुछ दिया हुआ है देखिए, और आप अपने अलग अलग नाम हैं सब कुछ है इसमें, एनीथिंग यू वांट यू कैन ऑर्डर। और आपको यहाँ पर मिलता है बिजनेस क्लास में फैसिलिटी है, और मैं आपको भी मेन्यू दूसरा भी दिखाती हूँ, हमें दूसरा भी देंगे खाने का। एट लास्ट प्लेन मूव करना शुरू हो गया, टाइम हो गया है 4:27 सुबह के, और अब हमारी फ़्लाइट उड़ रही है, और ये मोस्टली 15 आवर्स के करीब कह रहे हैं कि लेंगी। अब देखते हैं कितने हैं टाइम में ये हमें वहाँ पे लैंड कराते हैं सैन फ्रांसिस्को में।
देखा आपने कितनी वैरायटी होती है जो कि आपसे पूछते हैं। और ये देखिए ये टेबल का है, ये बटन प्रेस करो और ये टेबल स्लाइड होकर बाहर आ जाती है और आप आराम से इस पे रख कर अपना एंजॉय कर सकते हैं मील। तो चलो फिर मैं भी एंजॉय करती हूँ ज़रा। मैं वेजिटेरियन इसलिए मैंने कटलेट और सैंडविच लिया है। आपको बीच में प्लेन का साउंड काफ़ी सुनाई दे रहा होगा क्योंकि इतना जब वो प्लेन चलता है ना उसकी आवाज़ बहुत होती है। तो बस अब मैं जो अपना एंजॉय करने लगी, कटलरी भी यहाँ पे स्टील की मिलेगी, पूरी पैक्ड होती है, कोई प्लास्टिक कटलरी ये यूज़ नहीं करते हैं। और ये बीच में देखो थोड़ा सा रोस्टेड नट्स भी दे गए हैं, ये रोस्टेड नट्स भी थोड़े से बीच में दे गए कि मैम आप इन्जॉय करिए। अब खा पी लिया तो अब नींद भी आ रही है। तो ये देखिए पूरा बेड बन गया है ये स्ट्रेट, और उसके ऊपर ये पूरा एक क्विल्ट सी देते हैं, पूरा बेडिंग का कवर देते हैं और पूरा मैंने इसको बेड बना लिया है। और ये ब्लैंकेट भी दिया हुआ है इन्होंने और साथ में हमें तुम्ही का पूरा एक दे कर गए हैं नाइट सूट कि यू कैन चेंज इट। ये देखिए पूरा इसमें किट में पूरा नाइट सूट है लेकिन मैं चेंज नहीं कर रही। पर ये यहाँ पे आपको मिलता है, पहले ही एयर इंडिया का अपना ब्रांड होता है लेकिन अब ये तुम्ही का ब्रांड से देते हैं। अब आ रही है नींद, हो गए हैं 5:50 मॉर्निंग के लेकिन सोए नहीं पूरी रात। तो अब मैं लगी हूँ सोने। गुड नाइट, फिर मिलती हूँ आपको। और अब हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम, आए टेबल क्लॉथ बिछा गई है हमारी टेबल पर और ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। ये देखिए इसमें सब कुछ है, आप देखिए वड़ा डोसा बहुत ही बढ़िया लैविश जिसे कहें, ये ब्रेकफास्ट इन्होंने हमको दिया। तो बस अब मैं भी इंजॉय करती हूँ ये। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सबके अपने पर्सनल पर्सनल कैबिन्स हैं, सब टीवी देख रहे हैं, लाइट्स इन्होंने डिम कर दिए हैं कि जिसने सोना है वो सो सकता है क्योंकि अब इन्होंने खाना तो एक बार सर्व कर दिया है। तो चलिए किट खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए तुम्ही की किट है और इसके अंदर अब देखते हैं कि क्या है। ये आई मास्क दिया है इन्होंने, आप सोना चाहो तो इसको लगा के सो सकते हो। और एक सॉक्स दिए हैं कि आप पहन के घूमो। और ये भी कुछ है, देखते हैं क्या है, ये क्या है ये। अच्छा जी, मेल इन न्यूयॉर्क। ये कोई लिप बाम, हैंड लोशन, कुछ ये चीज़ें, तीन दो तीन चीज़ें हैं जो इन्होंने इसमें, मॉइस्चराइज़र, ये छोटी छोटी पैकिंग्स जो हैं ये इन्होंने इसमें दी हुई हैं। और ये इसमें जो है तुम्ही का एक इन्होंने ट्रैक सूट दिया है जिसमें ग्रे कलर की ये टॉप है और लाइट ग्रे और डार्क ग्रे जो है नीचे, ये देखिए उसका पजामा है। फिर थोड़ी देर मैं सो गई थी, अब फिर उठे हैं और फिर से खाना शुरू हो गया है। और मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा इनको बोला कि कुछ मुझे ऐसे सैलड सा कुछ दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना हैवी लग रहा था ना, अभी तक कुछ हजम नहीं हुआ था। तो बस मैं तो यही थोड़ा बहुत ट्राई कर रही हूँ। बस फ्लाइट लैंड होने से 2-3 घंटे पहले फिर शुरू हो जाते हैं खाना देना, फुल मील आता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो मैंने तो इनसे बोला कि मुझे लाइट सा कुछ मील दो, पर फिर भी वो अपनी तरफ से तो पूरा मील देते हैं। देखिए दाल है, दही है, चावल हैं, साथ में चपाती है, सब कुछ है, काफ़ी हैवी हो जाता है खाना, पर खाने वाले खा भी लेते हैं। मैं नहीं खा पाई इतना क्योंकि कितना आप खा लोगे। और ये साथ में मिल गया हमें खाने के लिए फ्रूट्स, ये मैंने ज़रूर खाए क्योंकि बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने इसको एंजॉय किया। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं सैन फ्रांसिस्को। ये देखिए नीचे आपको दिख रही होगी सिटी, दिखनी शुरू हो गई है। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एयर इंडिया की फ़्लाइट वॉज रियली गुड, नए प्लेन बहुत ही बढ़िया हैं। फिर मैं जहाँ जहाँ घूमूंगी आपके साथ सब कुछ शेयर करती जाऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट भी करना। फिर मिलूंगी आपको किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अंजलि का नमस्कार।